अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या महत्व होता है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लोइड सेल्स ओनली। माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ डिप्लोइड सेल में ही होता है। इन जितने भी बड़े ऑर्गेनिज्म होंगे, हायर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनकी जो डिप्लोइड सेल्स होगी जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होंगे, 2n होंगे, उनमें ही जो है माइटोसिस देखा जाएगा। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ट्रांसफर होंगे वो डॉटर सेल में ट्रांसफर होंगे। मान लीजिए पेरेंट में 2n क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 2n जाएंगे, और डिप्लोइड सेल भी वही होती है जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हाउ एवर इन सम लोअर प्लांट एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लोइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन जो कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटो हो गया, इनकी जो हैप्लोइड सेल्स होती हैं वो भी माइटोसिस से ही डिवाइड होती हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इजेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिविजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी लाइफ में माइटोसिस का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर है यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लोइड एंड डिप्लोइड इंसेक्ट? क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपको कुछ एग्जाम्पल पता है जहाँ जिसमें आपने हैप्लोइड और डिप्लोइड इंसेक्ट के बारे में पढ़ा हो? माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लोइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लेंट यूजुअली। और माइटोसिस से जो डिप्लोइड डॉटर सेल्स बनती हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो बिल्कुल पेरेंट सेल के आइडेंटिकल होता है। यानी जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में होगा वैसा ही सेम टू सेम आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल जो डॉटर सेल बनेगी उनमें होगा। और जो डिप्लोइड पेरेंट होता है उससे माइटोसिस से डॉटर सेल भी डिप्लोइड ही बनती हैं। जैसा कि डिप्लोइड में होते हैं जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अगर पेरेंट में 2n है तो डॉटर में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी डॉटर भी डिप्लोइड बनेगी माइटोसिस से, और उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी बिल्कुल सेम टू सेम पेरेंट मटेरियल पेरेंट सेल जैसा होगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। और जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जिन ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, तो जो उनकी ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से ही होती है। ऐसा इसलिए होता है, सेल कितनी प्रकार की होती है, सेल होती है दो प्रकार की, एक होती है जर्म सेल जिनसे गैमिट्स बनते हैं, दूसरी होती है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल होती है जर्म सेल को छोड़कर बाकी बॉडी की जितनी भी सेल होगी वो सोमेटिक सेल होगी, और सोमेटिक सेल में हमेशा माइटोसिस होगा। तो अगर बॉडी को ग्रोथ करना है तो माइटोसिस होना चाहिए, और माइटोसिस हमेशा किस में होगा, सोमेटिक सेल में होगा। जर्म सेल तो थोड़ी होती हैं लेकिन सोमेटिक सेल बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब सोमेटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन लगातार होता रहता है तो उससे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी होती रहती है, यही इसमें कहा गया है। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जब किसी भी एक सेल की ग्रोथ होती है तो उससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मान लीजिए न्यूक्लियस तो उतना ही रहेगा लेकिन जब सेल ग्रोथ होगी तो उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता चला जाता है, जिससे जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो रहना चाहिए वो नहीं रह पाता, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियस बढ़ता नहीं है, न्यूक्लियस जितना था उतना ही रहेगा, तो उससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट देयर फॉर बिकम इजेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। तो ये सेल के लिए जरूरी हो जाता है कि वो डिवाइड करे, और डिवाइड होने के बाद जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का जो रेशो है वो फिर से रिस्टोर करे, क्योंकि जब सेल डिवाइड होगी तो उसका साइटोप्लाज्म डिक्रीज हो जाएगा, और वो उतना डिक्रीज हो जाएगा जितना सेल को जो है जितना रेशो सेल को चाहिए। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। और सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है माइटोसिस का वो क्या है, सेल की रिपेयर करना, क्योंकि जो सेल इंजर्ड हो जाती हैं, जिन सेल या फिर जो सेल डेड हो जाती हैं वो उनको दोबारा से रिप्लेस करती हैं, और जो इंजर्ड हो जाती हैं उनको रिपेयरिंग का काम करती है, उनको ठीक करने का काम करती है। तो जो सेल रिपेयर होगा वो हमेशा माइटोसिस के प्रोसेस से होगा। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल आर बींग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। जो एपिडर्मिस की जो अपर लेयर होती है उसकी जो सेल्स होती हैं, या फिर जो गट की जो लाइनिंग होती हैं, एपिडर्मिस होती है जो ये त्वचा होती है उस सबसे ऊपर की लेयर किसी भी चीज़ की एपिडर्मिस,
और जो गट की जो लाइनिंग होती है यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग होगी, वो जिस जिन सेल्स से वो मिलकर बनी होगी उसका सरफेस, और जो ब्लड सेल्स होगी इनको लगातार रिप्लेस करना होता है क्योंकि ये इंजर्ड हो जाती हैं और इनकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। माइटोटिक डिवीज़न इन द मेरिस्टमेटिक टिश्यू द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। और जब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ में होते हैं जो लगातार प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करते रहते हैं, लगातार वो डिवाइड होते रहते हैं। तो जब मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ में माइटोटिक डिवीज़न होगा, कौन कौन से में, एपिकल और लेटरल मेरिस्टम जो टिश्यू होते हैं जब उनमें माइटोटिक डिवीज़न होगा तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो अपनी पूरे के पूरे जीवन में ग्रोथ कर।